हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ, और क्लास टेंथ में जो मैथ्स है उसका हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे आज, ट्रायंगल। ठीक। और क्लास टेंथ के मैथ्स चैप्टर में जो ट्रायंगल है उसमें हम लोग को पढ़ना है सिमिलरिटी, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रेंसी। तो सिमिलरिटी देखिए क्या है। अब सिमिलरिटी क्या है, तो टू फिगर्स, ठीक है, टू फिगर हैविंग इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल्स एंड एंड ऑल्सो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड साइड शुड बी इक्वल। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक फिगर है ये ट्रायंगल और एक और ट्रायंगल है। मान लेते हैं ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, और ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है, और ये 30 है। तो इसमें भी ये 90, ये 60 और ये 30 होना चाहिए। पहली चीज़ कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरा, इनके साइड का रेशियो, मान लेते हैं ये है 2, ये है 3, और ये है 2 3 नहीं लेते हैं 4, और ये है 3, और ये मान लेते हैं कि 5। तो उसी रेशियो में ये भी होना चाहिए। जैसे ये 3 है तो ये 3 2 6 है, तो ये 8 होना चाहिए और ये 10 होना चाहिए। तो ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है। तो ये दोनों क्या कराएंगे, सिमिलर। ये एक एग्जाम्पल के लिए हैं, एक्चुअली ये फॉलो नहीं कर पाएगा क्योंकि 90 डिग्री वाला है। 90 डिग्री में तो जो है सम ऑफ स्मॉलर साइड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड बिगर साइड, लेकिन ये इसको नहीं कर पाएगा। बेसिकली समझ में आया होगा। अब जैसे मैं कुछ चीज़ पूछूं कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है, तो पिछले क्लास का है उसको हम लोग रिविजन कर लेते हैं। ठीक है। तो कॉन्ग्रेंसी में क्या होता था कि सारी चीज़ें इक्वल होनी है। कॉन्ग्रेंसी में ऑल साइड, ठीक, कॉमा ऑल एंगल एंड एरिया, ठीक, ऑफ बोथ फिगर, ठीक, बोथ फिगर शुड बी इक्वल। तो ये होता था कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी को करने के लिए कुछ रूल थे, जैसे एक था एस ए एस, एक था ए एस ए, एक था डबल ए एस, जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, ये वाला बहुत कम यूज़ होता था, एक था आर एच एस और एक था एस एस एस। कॉन्ग्रेंसी के लिए सिंबल ये था, ये कॉन्ग्रेंसी के लिए सिंबल था। जबकि सिमिलर के लिए, सिमिलरिटी के लिए दो रूल हैं, एक है ए ए, तो इसमें दो रूल है, एक एस ए एस और एक एस एस एस। लेकिन ये इस वाले एस 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 की तरह नहीं है, यहाँ पर एस ए एस सिमिलरिटी जरूर लिखेंगे। ठीक है। एस 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 सिमिलरिटी, और यहाँ पर भी एस ए एस सिमिलरिटी और एस 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 सिमिलरिटी। अब ये क्यों है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो कुल मिला के सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए दो रूल हैं, और कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए 1 2 3 4 5 रूल हैं। और सिमिलरिटी में क्या मैंने बता दिया कि दो फिगर बिल्कुल सेम दिखने में हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ले लूँ एक सर्कल और ये, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपको दिखने में भी एक से जैसे लग रहे हैं, और दोनों की रेडियस मान लेते हैं आर है, दोनों की रेडियस आर है। तो क्या ये, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिमिलर, सिमिलरिटी, और यहाँ कॉन्ग्रेंसी, क्या ये सिमिलर है, यस, कॉन्ग्रेंट है, यस। अब जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक ये रेक्टेंगल है, और दोनों ही रेक्टेंगल में इसकी साइड है एक्स, इसकी है वाई, इसकी है डब्लू, इसकी है जेड, दोनों ही रेक्टेंगल हैं। तो क्या ये सिमिलर हैं, तो सिमिलर भी तब होंगे जब इनके साइड का रेशियो बराबर होगा। तो एक्स वाई के जेड के हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 5
और यहाँ पर मान लेते हैं 10 मान लेते हैं ठीक। और यहाँ पर हाँ, तो छोटा कर लेते हैं। अब ये हो गया 2.5, वो हो गया 5, नहीं यहाँ 25 कर लेते हैं ठीक है। ये मान लेते हैं 12.5 और ये 5, तो ये सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि इनमें जो है साइड का रेशियो, क्योंकि ये भी 5 हो जाएगा, बराबर होगा। देखो यहाँ पर 10/5 इज इक्वल टू होगा 25/12.5 ठीक, 5 टू जा तो पॉइंट आया 125 टू जा, तो साइड का रेशियो बराबर है, साथ में एंगल भी बराबर है क्योंकि सारे 90 हैं, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है ठीक। तो नहीं है, अगला ऐसे ही हम ले लें, जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है ऑल सर्किल आर, तो ऑल सर्किल आर क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट या सिमिलर, तो सारे सर्किल सिमिलर होंगे ठीक है, क्योंकि सब दिखने में एक जैसे होंगे ठीक। दूसरा है ऑल स्क्वायर आर, तो ऑल स्क्वायर आर ये भी सिमिलर होंगे ठीक, सिमिलर होंगे। तीसरा जैसे ले लेते हैं ऑल इक्विलेटरल, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होंगे, सिमिलर। तो ये कुछ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, और भी आगे बताएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन से पहले थ्योरम पे, कि हमने बताया था सिमिलरिटी के लिए दो चीजें हैं, तो सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं, एक कि एस ए एस और एक जो है एस एस एस। एस ए एस में वैसे हम लोग ट्राइंगल के ही सिमिलरिटी की बात करेंगे, तो ट्राइंगल से ही मैं समझाता हूँ कि अगर एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है ठीक। यहाँ पर दिया है मान लेते हैं एक्स, ये साइड है वाई, ये है डब्लू और ये है जेड, और ये एंगल है अगर थीटा, थीटा की जगह कुछ ले लेते हैं, जैसे लेते हैं पी, और ये एंगल है क्यू। तो लिखेंगे इफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डब्लू अपॉन जेड एंड एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, देन बाय एस ए एस सिमिलरिटी ट्राइंगल ए, ये इसको मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ मान लेते हैं डी ई एफ, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के ठीक। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे एक ट्राइंगल है और एक और ट्राइंगल है ठीक, ये साइड टू, ये है थ्री, ये है फोर, ये है सिक्स, और ये एंगल है 30, ये एंगल है 30, तो हम चेक करेंगे तो 2/3 क्या 4/6 के हैं, तो हाँ 2 2 जा 2 3 जा, तो ये बराबर है, और साथ में एंगल 30, एंगल 30 के हैं, तो सिमिलर हो गया। अब इसको जब करेंगे तो करने का तरीका भी बताएंगे। अच्छा, कई बार ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन ये लिख दे, जैसे हम यहाँ पर ये लिख दिए, इसी के लिए ये भी हो सकता है, इस W को यहाँ से उठा के यहाँ कर दें और इस जेड वाई को यहाँ पर कर दें, मतलब एक्स अपॉन डब्ल्यू वाई अपॉन जेड के बराबर है, तब पर भी वही बात होगी ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो वही बात होगी ठीक। अगला है एस 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 सिमिलरिटी में, तो उसमें क्या होता है, दो ट्राइंगल हैं, ये साइड मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये है पी क्यू आर, इसका नाम है ए बी सी, और इस ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ। तो लिखेंगे इफ अगर एक्स अपॉन पी बराबर वाई अपॉन क्यू बराबर जेड अपॉन आर, मतलब इसका एक्स पी वाई क्यू जेड आर तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये सिमिलर हो जाएगा, देन बाय एस 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 सिमिलरिटी ठीक, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के ठीक।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के लिए एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 2, 3, 4, एक है 2, 3, 4, 6, 8, तो हम चेक करेंगे क्या 2/4, 3/6, 4/8 के बराबर है कि नहीं। तो 1/2, 1/2, 1/2, तो यस बाय एसएसएस सिमिलरिटी बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक इसी में थ्योरम है जिसे बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। अब एक थ्योरम है जिसे बोलते हैं बीपीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी से हम आगे देखेंगे कि सिमिलरिटी में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे समझेंगे कि अगर दो ट्राइंगल हैं, और दो ट्राइंगल क्या है, सिंगल ही ट्राइंगल पहले लेते हैं, ठीक, समझना। एक ट्राइंगल है यहां पर, जो ट्राइंगल ए बी सी है, और अगर इस ट्राइंगल में कोई एक लाइन पैरेलल डाल दे रहे हैं, वो पैरेलल किसके है, किसी तीसरे, मतलब ऐसे समझना इन दो साइडों से पॉइंट मिला के और हमने तीसरे के पैरेलल बना दिया, ठीक, तो ये रिलेशन क्या बनाएगा, यही बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ऐसे समझो कि हमने क्या किया, लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड ई कॉमा एफ, ठीक, यहां पर इसको अलग ही लाइन से कर दें ताकि हम, नहीं मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट थ्योरम अलग है, वो नाइन्थ में था। एंड ई कॉमा एफ आर टू पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी सच दैट ई एफ पैरेलल टू बी सी। हमने क्या किया, ए बी सी ट्रायंगल में ई एफ ऐसा पॉइंट लिया कि ई एफ को मिलाने पर बी सी के पैरेलल हो गया, देन तब अब क्या होगा, वही चीज इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर कुछ चीजें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम यहां पर क्या कर लेते हैं कि एक तो हम ज्वाइन कर लेते हैं ए से, एक मिनट, ई से सी को ज्वाइन कर लेते हैं और एक बी से एफ को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर एक परपेंडिकुलर डालते हैं ई से, जो परपेंडिकुलर होगा ठीक 90 डिग्री किस पे होगा, ए एफ पे, इसको मान दे देते हैं, नाम दे देते हैं एम, और एक परपेंडिकुलर डालते हैं एन। इतना काम हमने किया और यहां पर लिख देंगे, ठीक, देन ज्वाइन ई सी एंड बी एफ एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर एफ एन, ड्रॉ एफ एन परपेंडिकुलर ए बी, ये परपेंडिकुलर पूरे पे है, एंड ई एम परपेंडिकुलर ए सी, ठीक, चाहे ए ई बोलो चाहे ए बी बोलो, बात वही है। दो काम हमने कर लिया, अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड, एक तो ट्राइंगल कौन सा ले लिया, देखो ए एफ ई, ऐसे देखना, समझना इसको, एक ट्राइंगल हमने ले लिया ये वाला, ठीक है,
ये स्टेट क्यों बन रहा है, ठीक है। तो इसको नहीं, एक्चुअली पहले इसको लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ई एफ बी, ई एफ बी एंड ई एफ सी। अब ध्यान से देखना कौन कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ई एफ बी एंड ई एफ सी। तो ई एफ बी में देखेंगे, एक तो हमने लिया है ये वाला ट्रायंगल, ठीक ये, और एक ट्रायंगल लिया है ये वाला, ठीक ये दो ट्रायंगल लिया है। अब इसको इरेज कर देंगे बाद में। इन दोनों ट्रायंगल में हम कर लेंगे दोनों को कॉन्ग्रेंट, या कॉन्ग्रेंट नहीं करेंगे तो और भी कुछ करके दोनों को बराबर करेंगे, एरिया कॉन्ग्रेंट ही बेसिकली करेंगे, कॉन्ग्रेंट इतना भी करना है। हाँ अब देखो करेंगे क्या, कॉन्ग्रेंट करने के अलावा एक तरीका होता है मैं बता देता हूँ, कि लिखेंगे एरिया ऑफ टू ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल, पैरेलल पूरा लिख देते हैं, एंड फ्रॉम अ बेस, ठीक आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, कोई दो ट्राइंगल एक ही बेस से, मतलब बेस एक ही है, इधर बना दो और इधर बना दो, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, ये जो टच कर रहे हैं, तो इनके एरिया बराबर होंगे, इस पूरे का एरिया इस पूरे के एरिया के बराबर होगा। तो इससे हमने क्या कह दिया, ये बेस है, तो लिखेंगे ये जो है नाउ ई एफ बी एंड ई एफ बी एंड एफ ई सी, एफ ई सी इसको भी एफ ई सी लिख दो, वैसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एफ ई सी आर फ्रॉम सेम बेस, सेम बेस है, सेम बेस ई एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल सेम पैरेलल ई एफ पैरेलल बी सी, सो एरिया ऑफ ई एफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ ई सी, ठीक ये दो चीजें हमें बराबर दिख गया। अब हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल को थोड़ा सा नीचे ले लेंगे ताकि हमें आगे जरूरत पड़ेगा तो ये देखने के लिए, ठीक है, ठीक। अब हमें को क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल में दोनों के एरिया बराबर हो गए, अब क्या करना है, लेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए ई एफ, अब देखो कौन से ट्रायंगल में जा रहे हैं, ए ई एफ एंड एफ ई बी, एफ ई बी बहुत ध्यान से देखना कौन कौन से ट्रायंगल में गए हैं, तो हम बता देते हैं, एक तो मैं जाऊंगा जो है इसमें, ये बाद में लिखा है तो इसको बाद में लिख लेते हैं, एक तो मैं जा रहा हूँ इसमें, ठीक, और दूसरा इस वाले में, कलर चेंज कर लूँ, ठीक इन दोनों में, तो किस किस ट्रायंगल में गया, एक ए ई एफ, ए ई एफ कौन सा है ऊपर वाला, और एक एफ ई बी, एफ ई बी। तो इन दोनों की अगर बात मैं करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ, इनका भी सेम करेंगे, हाँ नहीं अब इनका एरिया का रेशियो निकालेंगे, रेशियो ही बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रेशियो के लिए है, तो दोनों के एरिया का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ एफ ई बी इज इक्वल टू,
ए ई एफ का एरिया क्या होगा? देखो एरिया जो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब बताओ अगर इस वाले ट्रायंगल में, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बेस इसे लूँ, इसे बेस मैं अगर ले रहा हूँ तो हाइट इसे लेना पड़ेगा, याद रखना। ठीक, तो बेस मैं किसे लेता हूँ? ए ई, तो हाइट लेना पड़ेगा एफ एन अपॉन। ठीक, ध्यान से देखना। अब इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बेस इसे लूँ, इसे मैं बेस लूँ तो परपेंडिकुलर इसी पे लेना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर इस पे जब लेंगे तो परपेंडिकुलर बाहर चला जाएगा और यही एफ एन होगा। तो याद कर लो एक चीज नया कि कोई ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल ये है, ठीक, और इस ट्राइंगल पे अगर हमें परपेंडिकुलर इस साइड पे डालना है तो ये परपेंडिकुलर डालेगा तो बाहर चला जाएगा, तो इसी को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ये रूल होता है। ठीक है, तो अगर मैं बेस लूँ इस वाले ट्राइंगल में ई बी, हाफ बेस लेता हूँ EB, तो परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा? FN, वेरी गुड। और इसको दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर वन। ठीक, फिर लिखेंगे नाउ। ठीक, नाउ इन ट्राइंगल, अब की बार कौन कौन सा ट्राइंगल, फिर से इसको जरा नीचे ला दूं थोड़ा। अब देखो नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब लेंगे ए ई एफ एंड ई एफ एफ सी या एफ ई सी, वट एवर एफ ई सी, फिर से लेंगे ई एफ का बेस एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ एफ ई सी, बताओ 1/2 इनटू, वेरी गुड, 1/2 इनटू ए ए एफ, ए एफ इनटू एम ई, इनटू ई एम, वही हाँ, अपॉन अपॉन 1/2, 1/2 बेस बेस एफ ई एफ सी, एफ सी, वेरी गुड, इनटू इनटू ई एम, वेरी गुड, परपेंडिकुलर ई एम। अब यहाँ से देखो ये एफ एन एफ एन सेम है, कट गया, ये ई एम एम सेम कट गया, ये क्वेश्चन नंबर गया 2। अब लिखेंगे सिंस हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि एरिया ऑफ एफ ई सी बराबर एरिया ऑफ जो है ई एफ बी बोल रखा है, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो गया ना, और ऊपर पहले ही से बराबर है, ऊपर तो पहले ही से बराबर है। तो देखो जब, अब यहां से सिंपल सोचो कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो एफ ई सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ई सी की जगह मैं लिख सकता हूं यहां पर एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन, इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ एफ ई सी की जगह क्या लिख सकता हूं, एफ ई सी की जगह ई बी एफ, ई एफ बी बराबर में जो था बचा ये 1/2 भी कट गया है, ठीक है, बराबर में बचा ए एफ अपॉन एफ सी। अब यहां पे लिखेंगे बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में क्या है, यही चीज सेम लिखा है ए ई एफ और एफ ई सी, ये बराबर क्या लिखा है ए ई अपॉन ई बी, तो बाय इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन थ्री देते हैं एंड इक्वेशन थ्री। अब बताओ ये चीज तो सेम लिखा है ना दोनों तरफ, ये यहां पर भी है और सेम चीज लिखा है, अगर ये इसके बराबर है तो यहां इक्वेशन वन थ्री को लिख सकते हैं हम ए ई अपॉन, यहाँ पर इसको रेड पेन से कर देते हैं, ठीक है, क्या बचा था ए एफ अपॉन एफ सी, तो यानी कि ए एफ अपॉन एफ सी जो हो गया वो बराबर हो गया ए ई अपॉन ई बी के, ए ई अपॉन ई बी के, और यही हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये कहना क्या चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, इसको देखना, फिर से इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, ठीक, ये आज टहलते रहेगा बेचारा, ये भी आ रहा है, ये फ्री हैंड वाला करते हैं पहले, ठीक है, तो इसको अगर नीचे लाएंगे तो अब ये क्या कहना चाहता है, देखो
ये सर्कल कहाँ से घूम रहा है साथ में? अब नहीं घूम रहा है, ठीक। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इससे पता चल गया कि अगर कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है ऐसा जिसमें एक साइड पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया है, तो इसका रेशियो अपॉन इसका बराबर इसका रेशियो होगा, वैसे ही जैसे अभी हमने किया था। क्या किया था? सिमिलैरिटी प्रूफ किया था ना। तो मतलब अगर कोई ट्राइंगल है, सिंपल सी बात बता दे रहे हैं, अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये साइड अपॉन ये साइड बराबर ये साइड अपॉन ये साइड होगा। देखो कैसे, ए एफ अपॉन एफ सी बराबर ए ई अपॉन ई बी। और इसी के साथ और भी बहुत चीज़ इसमें प्रूव हो जाएंगी जो हम लिखे नहीं हैं, पर डायरेक्ट बता देते हैं क्या क्या इसमें और हो सकती हैं। इसी में और हो सकता है, हम कह सकते हैं ए एफ अपॉन ए ई बराबर एफ सी अपॉन ई बी, ये भी कह सकते हैं, यानी ए एफ अपॉन ए ई बराबर एफ सी अपॉन ई, ये भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? ई बी अपॉन ना, अब देख लो ए ई अपॉन ए एफ बराबर कह सकते हैं ए बी अपॉन ए सी भी, ए ई अपॉन ए सी ये भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? देखो जो जो हम कह सकते हैं वो हम लिखते जाएंगे, ठीक है। ए ई अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन ना ना ए ई अगर हम ये सिमिलर भाई वही हम कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग लेना होता है, मतलब जो दिखने में एक जैसा है वही लेंगे, इतना तो बुद्धि लगाएंगे। एफ सी कहाँ इसके बराबर है? तो ए ई अपॉन मान लो ई एफ लेते हैं, ए ई अपॉन ई एफ ये लेते हैं, ठीक है। ये भी प्रूविंग है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आते लो ए ई अपॉन ई एफ, तो हम ले सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, बस ए बी अपॉन बी सी। और क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं ए एफ अपॉन एफ ई, मान लो ए एफ अपॉन एफ ई, तो हमें लेना पड़ेगा ए सी अपॉन सी बी, ठीक है, ए सी अपॉन सी बी। और क्या ले सकते हैं? बहुत कुछ ले सकते हैं इसमें करने के लिए, ठीक है, जब सॉल्व करना होगा तो जरूर पढ़ने पर बताएंगे क्वेश्चन करते समय, समझ आ रहा है। तो अभी के लिए थेल सोरम और ये थोड़ा बहुत नॉर्मल चीज रहने देते हैं, थेल सोरम अच्छे से पढ़ना, ओके।